सतवास के दिगंबर जैन मंदिर परिसर में वाघेला परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा रसपान कराते हुए पंडित मृदुल कृष्ण शास्त्री ने शास्त्र का अर्थ बताते हुए कहा कि जो हमें सद्मार्ग बताए वही शास्त्र है। गुरुदेव ने कहा कि दूसरे के घर पर भोजन तब किया जाता है जब या तो हम अभाव में हैं या फिर भाव में डूबे हैं अथवा प्रभाव में लिप्त हैं, तभी दूसरे के घर पर भोजन किया जाता है। भगवान वस्तु के भूखे नहीं हैं, परम पिता परमेश्वर तो भाव के भूखे हैं। शास्त्री जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति पात्र हो सकता है, पात्रता के लिए किसी जाति धर्म का कोई बंधन नहीं है। सतवास से जीतू सिंह की रिपोर्ट। समय भगवान लीला का विराम देकर अपने परम धाम को पधार रहे थे, आपको भगवान ने याद किया, आपसे कुछ ज्ञान चर्चा प्रभु करना चाहते थे। वो ज्ञान मेरे पास सुरक्षित है, परंतु उद्धव जी कहते हैं कि ये वृंदावन की भूमि भक्ति प्रधान भूमि है, यहाँ मैं आपसे उस ज्ञान की चर्चा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भक्ति प्रधान भूमि में तो भक्ति प्रेम की ही चर्चा होना चाहिए। तो आप ज्ञान भूमि हरिद्वार में मैत्री जी के आश्रम पर पधारें। जी महाराज को भी बनाया गया था, उन्होंने मन में विचार किया कि ऐसे राजा की हम नौकरी नहीं करेंगे जो परमात्मा का विरोध करे, चपड़ास उतार करके रख दी। जाके प्रिय राम बैगे ही तजिए ताहि कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तीर्थ यात्रा में निकल पड़े, करते करते तीर्थ यात्रा अंत में पहुंचे श्री वृंदावन। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।